हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई एम अ कंप्यूटर टीचर एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले आपको बताऊंगा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग बताने से पहले एक चीज एक्सप्लेन करनी है आपको। सपोज आप एक आईटी कंपनी खोलते हो, ठीक है, आईटी कंपनी आप खोलोगे, अगर आप उसका सेटअप लगाओगे तो आपको क्या रखने पड़ेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स रखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, हार्डवेयर का मतलब आपको कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, प्रिंटर्स खरीदना पड़ेगा और उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। आपको डेटा कहीं पर सेव करना है तो उसको उसके लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस का मतलब कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको मनी खर्च करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को ना करना पड़े इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। अब क्या आता है, रिसोर्सेज क्या क्या आती है उसमें और सर्विसेज क्या क्या आती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आता है आपका वीडियो, वीडियो हो गया आपके, म्यूजिक, गेम्स, गेम्स मैसेजेस एक्सेट्रा। रिसोर्सेस हो गया आपका, सेकेंड आता है आपका सर्विसेस। सर्विसेस में क्या आएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग गिव यू अ स्पेस टू सेव डेटा, मतलब अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड स्पेस। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको अनलिमिटेड स्पेस देता है डेटा सेव करने का। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं तो आप डेटा सेव कर सकते हैं इसमें कितना, 67 मिलियन आईफोन के बराबर डेटा आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है आपका कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंड है स्केलेबिलिटी, इसके बाद थर्ड है आपका कॉस्ट सेविंग स्पेस सेविंग, फोर्थ है आपका स्पेस सेविंग। अब बात आती है फर्स्ट क्या है आपका, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग इफ यू हैव सेव योर डेटा ऑन अ क्लाउड कंप्यूटिंग देन यू कैन एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस योर डेटा। Only you require a computer and internet connection. That means, if you have a computer and internet connection, you are anywhere in the world, then you can access your data and your data will be saved. Next, scalability.
स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मीन्स व्हाट यू मीन बाय स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मीन्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्रीज योर सर्विसेज और डिक्रीज योर सर्विसेज. दैट मीन इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग द सर्विसेज विच यू आर यूजिंग यू हैव टू पे ओनली दोज सर्विसेज, नॉट यू हैव टू पे द अदर अमाउंट. सपोज we have opened a company and I have required 4 servers, then we have to pay amount for 4 servers. Suppose after 3 months or 4 months later we need only 2 servers, then we need not to pay for 4 servers, just we have to pay only for 2 servers. That means agar koi company humne kholi hai aur us company mein hame zarurat hai 4 servers ki, कुछ दिन बाद हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हमें 2 सर्वर पे काम करना है, जबकि हमारे 2 सर्वर क्या है, वेस्ट है. तो उसके लिए क्या है, हम अपनी रिक्वायरमेंट को क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कम कर सकते हैं. इसका मतलब हमें 2 सर्वर अगर यूज करने हैं तो हमें 2 सर्वर का अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो ये हमारे क्या है, फीचर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के. इसके बाद में क्या आता है, कॉस्ट सेविंग. कॉस्ट सेविंग का मतलब मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर हम कोई कंपनी शुरू करते हैं उसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आईटी प्रोफेशनल चाहिए, ठीक है, उन सबको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा. लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, हमें सब चीजों की जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेविंग होगी. इसके बाद में क्या आता है, स्पेस सेविंग. स्पेस सेविंग का मतलब क्या हुआ, स्पेस सेविंग का मतलब हुआ अगर कंपनी हमने स्टार्ट करी है तो उसके लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग चाहिए उसके लिए हमें, ठीक है. तो यहां पे हमें कोई भी बिल्डिंग की जरूरत नहीं, दैट मींस हमें स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है. आफ्टर दैट इसके बाद में क्या आता है हमारा, अब क्या है, कोई चीज हम क्यों यूज करते हैं, वी यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज वी हैव सम बेनिफिट्स फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग. सो लेट्स सी द वर्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. Benefits of cloud computing. क्या क्या benefits हैं? Eliminates capital expenses. Number 2, large storage. Large storage. Number 3, access file क्लाउड कंप्यूटिंग. तो आपका क्या हो गया, गूगल प्लेटफॉर्म, गूगल
गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, सेकेंड वन आपका क्या है फ्लिकर, नंबर थर्ड अमेज़न वेब सर्विसेज, अमेज़न वेब companies which provides the cloud computing. I am telling again, Google Cloud Platform, Flickr, Amazon Web Services and many more. These are the companies, example of companies which provides the cloud computing facility. Okay, after that I will explain some more characteristics of cloud computing. Elasticity, number two, no need on demand self services on demand self services. Self services pay per use. Number four, resource podding. Resource podding. Some more characteristics of cloud computing. Number one, elasticity. Elasticity means we can increase or decrease our demand. I am taking an example. Suppose I have a e-commerce company. E-commerce company on Diwali, I have a required more server. Suppose currently I am using two servers and on Diwali I want two more servers. That means I want four servers because our work is increasing. So after Diwali my requirement is less, so we don't need four servers. That means our requirements of server is increasing or decreasing. That means in cloud computing we can reduce our services and increase our services. That means we using that services, just we have to pay only for that services, not for the other services. That means we can increase or decrease our demand. This thing is coming up, elasticity. No demand is what?
here is on demand. On demand self services means we don't need any IT professional, we don't need any data administrator which save all data. We can just do these things yourself. That means on demand services pay per use. That means जितना हम use करेंगे service करने के लिए हमें pay करना पड़ेगा. Resource pooling means everything you can get on cloud computing. You want any software applications, you want any game, you want any type of video, everything you can get from cloud computing. That means resource pooling. These things come in a resource pooling. After that, I will explain types of cloud computing. Types of cloud computing. Number one is private cloud. Public cloud, hybrid cloud, and number four is commodity cloud. Types of cloud computing are private cloud, public cloud, third is hybrid cloud, and fourth is community cloud. Private cloud is only for the some registered organization. That means private cloud only use the registered companies, not for public. Public cloud computing means in public cloud computing. In public cloud computing, everyone can use the services of cloud computing. Hybrid cloud computing is a mixture of computing, the mixture of private and public cloud. It has a capacity of limited people. It is for limited people. Community cloud means it is for any community or organization. Again, I am explaining types of cloud computing, number of private cloud, second public, hybrid cloud, and community. Private cloud is for fixed organization or a private organization. It is not for the public. In public cloud, services used by the public, and hybrid cloud is a mixture of private and public cloud. After that, community cloud is for a fixed community. After that, I will explain services of cloud computing. Services of cloud computing are infrastructure as a service. And
एज अ सर्विस। नंबर टू इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नंबर थर्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, नंबर थर्ड इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इफ वी आर ओपनिंग एनी कंपनी देन वी नीड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर थिंग्स इज कम इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दैट मीन्स इफ वी नीड एनी सॉफ्टवेयर देन इट ऑल्सो प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर। नंबर थर्ड इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डू द वर्क। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग टू टेस्ट देयर सॉफ्टवेयर एंड टू डेवलप देयर सॉफ्टवेयर। Thank you. I think you have understood this chapter and revised this chapter carefully and properly. Thank you.